हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे। उसका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आज देखेंगे हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि एप्पल एक्स है और ग्रेप्स वाई है। तो यहां पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, अब यहां पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल यानी 2x एंड यानी प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी y, 2x प्लस y इक्वल टू दोनों को मिला के कितना रुपया पाउंड हुआ है 160। तो 160 कर लेंगे, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। दूसरी लाइन में 4 kg ऑफ एप्पल यानी 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y इज इक्वल टू रुपीज टोटल कितना हुआ है 300। ठीक है, ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब यहां से y निकाल लेंगे, 160 माइनस का 2x। अब टेबल बना लेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे x और y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अब देखिए यहां पे x इक्वल टू 50 लेते हैं, तो y देखिए कितना निकल के आता है, y इक्वल टू 160 माइनस का 2x। अब यहां पे x की जगह 50 पुट कर देंगे, तो 160 माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो 50 रखे तो कितना है 60। अब 60 रख के देखते हैं, x इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x, 160 माइनस का 2 इंटू 60 हो जाएगा, 160 माइनस का 120 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, हमारा 40 आ जाएगा। तो यहां पे 60 रखे तो कितना आया 40 आ गया। x इक्वल टू 70 रख के देखते हैं, तो y इक्वल टू 160 माइनस का 2x, 160 माइनस 2 इंटू 70 करेंगे, 160 माइनस का 140 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो यहां पे जब 70 लिए तो क्या आया 20 आ गया। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए देख लेंगे इसी तरह, फॉर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो अब 2y इज इक्वल टू 300 माइनस का 4x, तो y इज इक्वल टू 300 माइनस का 4x बाई 2, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस का 2x। 2 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये 150 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो अब टेबल बना लेंगे, x की वैल्यू एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग ये पॉइंट्स इस वजह से निकाल रहे हैं x और y की वैल्यू, ताकि हम ग्राफ बना सकें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से निकालना, x इक्वल टू 70 ले लीजिए, 70 लीजिए, तो देखिए y कितना आता है 150 माइनस का 2x, तो 150 माइनस 2 इंटू 70 हो जाएगा,
तो 150 माइनस का 140 हो जाएगा, तो इक्वल टू 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब x इक्वल टू 75 ले लीजिए, तो 75 लेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 150 माइनस का 2 इंटू एक्स, 150 माइनस का 2 इंटू 75 तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस का 150 कितना जाएगा, 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 80 ले लीजिए, तो y इक्वल टू 150 माइनस का 2x इक्वल टू 150 माइनस का 2 इंटू 80 तो कितना आ जाएगा, 150 माइनस का 160 इक्वल टू माइनस का 10 आएगा, क्यों, क्योंकि 160 बड़ा है ये छोटा है, तो साइन बड़े वाले का लेगा। तो यहाँ पे जब हमने 75 किया तो 0 आया, और 80 लिया जब तो माइनस का 10 आया, और हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, जो दोनों वैल्यू आई हैं दोनों की इक्वेशन जो भी हैं उसको दिखाएंगे अब ग्राफ में। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले लाइन खींच लेंगे हम लोग, इस वाली लाइन को x x डैश बोलेंगे, और इस वाली लाइन को y y डैश बोलेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50 माइनस का 60 माइनस का 70 माइनस का 80 माइनस का 90 यहाँ पे माइनस का 10 होगा माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50 माइनस का 60 माइनस का 70 माइनस का 80 माइनस का 90 माइनस का 100 याद कर लेंगे। अब हमको वैल्यू पुट करनी है, तो पहली वाली इक्वेशन में 50 है तो 60 है, x 50 है तो y 60 है, तो 50 है x, ये x वाली लाइन है, तो इस पे x 50 चलना है और y पे 60 चलना है, तो यहाँ से ये ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो यानी हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो हम इसको लिखेंगे 50, 60। दूसरी वाली वैल्यू कितनी है, 60 है तो y 40 आया, x 60 है तो y 40 आया, तो यहाँ पे 60 है तो ये 40 है, 40 वाली लाइन यहाँ से और 60 वाली लाइन यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख देंगे 60, 40। थर्ड वाला पॉइंट 70, 20 और ये 20, 70, 20। ठीक है, ये हो गए तीनों पॉइंट, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी ये वाली लाइन कौन सी है, 2x प्लस y इक्वल टू 160। सेकेंड वाली लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 70 है तो 10 है, 70 है तो 10 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे 70, 10, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 70 और 10। 75 तो 0, 75 यहाँ पे आएगा तो 0, तो ये 75 और 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है, 75, 0। ठीक, थर्ड वाला पॉइंट 80 माइनस का 10, 80 है तो माइनस का 10, यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इन तीनों को ही मिला दीजिए, जो भी थ्री पॉइंट्स आए उनको मिला देना है, तो यहाँ से लाइन जाएगी और ये पैरेलल लाइन है दोनों, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस y यहाँ भी आएगा और 150 हो जाएगा और ये 160 रहेगा, तो ये पैरेलल वैसे भी है, ये दोनों सेम अगर रहते हैं तो पैरेलल रहती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे द जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, बस आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।
अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।